मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां शहर में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से रात्रि गश्त और जो फिक्स पॉइंट की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से जो है ब्रीफ कर रवाना किया जाता है। और बीते रात जो है बालाजी वार्ड से जो है दो संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा जो है दो मोटरसाइकिलों की चोरी की जा रही थी, और इस दौरान रात्रि में सज्जय बाजार क्षेत्र में जो है आरक्षक भूपेन नेताम, आशुतोष ध्रुव और हरीश को राम की जो है गश्त ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्हें चोरी का अंदेशा होने पर इनके द्वारा जो है बालाजी वार्ड क्षेत्र में जो है घेराबंदी कर जो है चोरी करते हुए दो व्यक्तियों को जो है रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर इनके द्वारा अपना नाम वरुण कुलदीप और टी भास्कर, दोनों निवासी कोरापुट क्षेत्र का होना बताया गया, और जिनके पास से जो है दो मोटरसाइकिल जिनमें एक पल्सर वाहन और दूसरा केटीएम वाहन जो है चोरी करके ले जाया जा रहा था। और इस मामले के जो वाहन स्वामी हैं उनकी ओर से पृथक पृथक थाना कोतवाली में जो है चोरी संबंधी अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया है, और दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है दो मोटरसाइकिल जिनमें पल्सर और एक केटीएम है, साथ में दो नग मोबाइल जो है बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में जब्त शुदा वाहनों की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है।